नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मेरे हाथ का था, तो उसके लिए मैं छोले और सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई। तो मैंने अदरक और मिर्च को पहले पीस लिया था बारीक, तो अब इसे पीस लेंगे। और ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर भी छोले में डाल दिया था, इससे हमारा इसकी ग्रेवी जो गाढ़ी हो जाएगी। इसको इस प्रकार से मैश कर लेंगे। देखिए तो देखिए, मैं मिर्ची को अदरक को पीस लिया। मैं मसाला में नॉर्मल मसाला जो पीसा जाते हैं, टमाटर को मैंने बारीक पीस लिया था। देखिए मैंने तेल डाल के जीरा और अदरक को डाल दी। इसको अच्छे से पका लेंगे जो इसमें स्मेल ना रह जाए। देखिए इसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम हरी मिर्च जो पीसी थी वो भी डाल देंगे। ये देखिए, और इनको अच्छे से पका लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार जिस प्रकार चटपटा खाना चाहते हैं उस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया है। ये मसाले मैंने गरम मसाला, नमक और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर लिया है। ये देखिए, और लाल मिर्च भी ऐड किया मैंने। तो देखिए जब हमारा अच्छे से मसाला हमारा तेल छोड़ देगा, तो ये भी टमाटर डाला है मैंने और पनीर की ग्रेवी डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तो देखिए जब हमारा ये पूरा तेल छोड़ देगा, तो इसमें देखिए मैंने छोले को भी डाल दिया है। नमक मैंने आप अपने स्वाद से टमाटर डाल सकते हैं, मैंने मसाला में ही नमक डाल दिया था। तो देखिए आप इस प्रकार से मिक्स करके मसाला डालेंगे तो आपका जो कम ज़्यादा नहीं होगा, वो मीडियम में साइज में मसाला पड़ेंगे। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे। तो देखिए मैंने कसूरी मेथी बाद में डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा छोला बनके तैयार हो गया है। तो देखिए पूरी बनाने की तैयारी कर लेते। देखिए इसमें अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी और नमक को ऐड कर लिया है। इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मोया लगा लेंगे आटे में, हल्का इसे लगाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से आटा गूंथ देंगे। तो देखिए मैंने सब्जी बनाने के लिए थोड़ी सी हींग डाल दिया है, हरी मिर्च को डाल दिया है, जैसे मैंने अदरक नहीं डाली थी। ये देखिए आपने जिस प्रकार से आप चटपटा खाते हैं उस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने जो भंडारे में सब्जी बनी, तो उसी प्रकार सारी वेजिटेबल्स जो आपके पास हो वो डाल दीजिए सारी मिला के, और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये देखिए इसको चलाते रहेंगे, नमक डाल के हम लोग पहले चढ़ा देंगे। अब आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, इसको हम लोग पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ये हमारा सब्जी थोड़ा गल जाएगा तो इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये नॉर्मल मसाला जो छोले में डाला था वही है, और छोले में मैंने छोले मसाला भी डाला था। ये देखिए टमाटर को डाल देंगे बाद में जब हमारी आलू थोड़ी सी पक जाएंगी। ये देखिए जो जो आपका सब्जी वो आप डाल सकते हैं, मैंने सारी सब्जी डाल दी थी इसमें। ये देखिए बैंगन, मैंने उन बैंगन में डाल दिया है और रायता बना लेते हैं। रायते के लिए मैंने रायता मसाला लिया, नमक डाला है, काला नमक डाला है और मिर्च को ऐड किया, बाकी और कुछ नहीं डाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिर्ची को मैंने थोड़े से तल लिया है, इसको ज़्यादा नहीं तलेंगे, हल्के से तलेंगे। मैंने रेडीमेड लाई थी और इनको जलाव में डाल देंगे। इसको जलाव में डाल के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा भिगो देंगे 1 मिनट के लिए और उनको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने पूरी बेल के रखी है, उनको निकाल लेंगे बारी बारी करके। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी पूरी फूल रही है। ये देखिए और इनको अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, और मैंने पुलाव बनाया था। देखिए जीरा और हींग से मैंने चौका लगा लिया है उसमें रायते में। ये देखिए हमारा रायता भी बहुत अच्छा बना था। तो देखिए हमारी जो बनाया रेसिपी उसकी थाली बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको। और मैंने सलाद भी ले लिया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आज से आपके लिए रोज़ वीडियोस आएंगे, मैं रोज़ वीडियो डालूंगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।